मार्केट नेविगेटिव ट्रेंड में शुरू हो चुका है, लेकिन कुछ स्टॉक में लेके आया हूँ जो आपको बहुत अच्छा पैसा दे सकते हैं। क्या है वो, चलिए शुरू करते हैं। पहला है एरिस, एरिस लाइफ साइंस। अगर ये स्टॉक आप नहीं जानते तो आप बहुत ही बड़ा स्टॉक मिस कर रहे हो। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न रहा है डेली कैंडल चार्ट पे। अगर ब्रेकआउट हो गया कल, अगर 721 के ऊपर ये स्टॉक मिलता है तो 782 और 863 के रेंज तक जा सकता है कुछ दिनों के अंदर। ये स्टॉक पे निगाहें गाड़ के रखिए, आने वाले समय में ये बहुत अच्छा पैसा आपको दे सकता है। मैंने जो शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं चार शेयर, ये चार शेयर्स के ऊपर नज़र गड़ाए रखें, बहुत तेजी दे सकता है। तो अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से स्टॉक्स लें। अगर यहाँ पे बाई करते हैं जब ब्रेकआउट पे, तो स्टॉप लॉस लगाना ना भूले, अराउंड 690 या फिर 685 के अराउंड आप स्टॉप लॉस लगाते हो, लगा सकते हो, सेफ सेफ्टी सेफ्टी रेंज में। उसके बाद है इंडियन बैंक, मर्चेंट बैंक। ये स्टॉक अगर डेली कैंडल चार्ट में देखा जाए तो एक पेनल पैटर्न बना रहा है, लेकिन मज़ा तब आता है जब आवरली कैंडल चार्ट पे आप देखोगे तो ऑलरेडी आपको ब्रेकआउट का सीन देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे जितना हमारा मानना है, यहाँ से प्राइस अगर रैली करता है तो ये हाई तोड़ के नया हाई एक बना सकता है। कहाँ तक जाएगा स्टॉक सिंपली अगर देखा जाए तो मैं आपको कहूँगा, रुकिए मुझे एक अच्छा सा रेंज तो ढूंढने दीजिए। तो आपका टारगेट है 29, उसके बाद 35। स्टॉप लॉस कहाँ मेंटेन करिएगा, स्टॉप लॉस रखिएगा 22 पे। 24 पे चल रहा है प्राइस, 2 रुपये नीचे स्टॉप लॉस, और 30 रुपये मतलब 28 रुपये मतलब 4 रुपये का टारगेट, और नेक्स्ट जो टारगेट है 35 रुपीज़ का। ठीक है, तो इस स्टॉक पे भी, स्टॉक पर भी आप नज़र गड़ाए रखें, क्योंकि बहुत दिनों से ये स्टॉक मेरे रडार में बार बार दिखाई दे रहा है। ठीक है, बार 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 चार्ट में राडार में दिखाई दे रहा है, तो ये शेयर में कुछ भी हो सकता है, फंडामेंटल मोमेंटम हो तो इसको नज़र पे रखिए। उसके बाद देखें जीएससीएल। जीएससीएल पे मैंने कभी पहले ट्रेड नहीं लगाया है। डेली कैंडल चार्ट पे देखेंगे तो ये एक बड़ा सा रेंज के अंदर ट्रेड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पूरा पिक्चर अगर देखेंगे तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना था, रेंज में गया था और उसके बाद वापस आने की कोशिश कदार पे। अगर जब आप 15 मिनट का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे एक फॉलिंग वेज बन रहा था, और इस फॉलिंग वेज को तोड़ते हुए एक नया कैंडल लास्ट में बना, दो लाया कैंडल बनाकर बहुत अच्छा वॉल्यूम और RSI 60 के ऊपर क्लोज किया है। तो ये स्टॉक हो सकता है यहाँ पे ब्रेकआउट दे सके, तो इस स्टॉक पे अगर एंट्री करना चाहेंगे ये थोड़ा रिस्क रहेगा। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे 679 पे। यहाँ पर खरीद सकते हैं। और टारगेट कहाँ पे रख सकते हैं, पहला टारगेट है 708 रुपये, और दूसरा जो टारगेट है वो थोड़ा हाई में लेंगे, दूसरा जो टारगेट है आप 738 का रख सकते हैं, और उससे ऊपर भी ये जा सकता है अगर ये बड़ा सा जो लेबल्स है इसको तोड़ दे। तो आप अगर बाय करना चाहते हैं तो 7680 में ही बाय करके ये टारगेट के लिए आप होल्ड कर सकते हो 740 का। उसके बाद का जो रेंज है अराउंड 798 का, मुझे लग रहा है इसमें कुछ हलचल हो रहा है। और अगर पूरा पैटर्न को आप समझे तो क्या बन रहा है यहाँ पे, अगर ब्रेकआउट दे देगा ना तो यहाँ पे आपको कॉप एंड हैंडल बनाएगा जो कि बुलिश पैटर्न है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आप समझ पा रहे हो मेरे वीडियोस को। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो नीचे कमेंट में बताना। उसके बाद आएंगे भाग्यनगर, ये भी राडार में बार बार दिखाई दे रहा है, मेरे जो स्क्रीनर बनाया है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो सिंपली एक पैनल पैटर्न बना था, उसके बाद से रैली है और उसके बाद प्राइस में गिरावट आया है, यहाँ से दूसरा रैली देने की चांस में है। लास्ट मोमेंट में देखा जाए तो प्राइस में बहुत ही जोरों से बाइंग आया है, तो स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं यहाँ पे खरीद के। कहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे, 50 पे, पूरा आपका 2 रुपये का स्टॉप लॉस है। टारगेट यहाँ लगाएंगे 61, और जो पहला टारगेट है वो 55 और 61। तो ये चार स्टॉक है, भाग्यनगर, एरिस, इंडियन बैंक और जीएससीएल। और मेरी माने मैं सबसे बुलिश हूँ एरिस के ऊपर। क्यों, एरिस एक फार्मा स्टॉक है, मार्केट जब नीचे जाता है तो फार्मा स्टॉक्स ऊपर आते हैं। और एरिस के बारे में अगर फंडामेंटल्स बताऊँ, फंडामेंटल बहुत सही है। ये आप जो ब्लड प्रेशर शुगर के बीमारियों का दवा खाते हैं तो एरिस लाइफ साइंस बनाता है, जो रोजाना जिंदगी में यूज होता है, तो ये एक FMCG की तरह काम करता है। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट अनलॉक।